शादी के मंडप तक पहुंचने के लिए इतनी सारी रुकावटें, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे रोक रहा है। माँ, इस शादी को अभी टाला नहीं जा सकता। बेटा, एक दो दिनों की बात होती तो जरूर टाल देती, लेकिन अगले 6 महीने में कोई शुभ लगन नहीं है। 6 महीने? श्रुति नहीं मानेगी इस बात को। और मैं भी नहीं। तू नुपुर को लेके इतना परेशान क्यों है बेटा? होश आते ही घर आ जाएगी वो। होश आते ही ना। मां, मैं उसकी केस हिस्ट्री अच्छी तरह से जानता हूं। अगर उसे होश नहीं आए तो वो कोमा में चली जाएगी, और इस तरह के पेशेंट्स एक बार कोमा में चले जाते हैं तो उनका वापस लौटना। तू नुपुर को लेके इतनी गलत बातें क्यों सोच रहा है? नुपुर को कुछ नहीं होगा। मैं भी ये चाहता हूं कि उसे कुछ ना हो। चोट सर पर लगी है और बहुत गहरी है। तू नुपुर को लेके बहुत परेशान हो रहा है। घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तू इस तरह उदास है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू डाइवर्ट माई माइंड। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। प्रणाम माँ। एकदम ठीक समय पे आया है आलोक। बैठ बेटा, देख अपने दोस्त को संभाल। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, देख। क्या हुआ इसे? अब तू ही समझा इसे। आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे अभी अभी तो माँ ने कहा है कि मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूं। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है यार। अब प्रॉब्लम ना हो तो लाइफ का मजा ही क्या है यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे शादी करने से रोक रहा है। कौन रोक सकता है? पता नहीं यार, लेकिन जिस तरह की रुकावटें पैदा हो रही है उससे तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। रुकावटें? कैसी रुकावटें? नुपुर नाम की लड़की अचानक सीढ़ियों से गिर गई थी। मालूम है तो? वो अभी तक होश में नहीं आई है। अरे आ जाएगी यार। अगर नहीं आई और कुछ हो गया तो? अरे उसे कुछ नहीं होगा यार, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल और उसे लेकर आता हूँ। भाई मुझे तो इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। आलोक, पता नहीं क्यों मुझे आस्था की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्मा मुझे शादी करने से रोक रही है। क्या हो गया तुझे? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा तू? ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है संकल्प। अच्छा तू मुझे ये बता, ये अपना सामान कहां पटकू मैं? मेरे कमरे में ले जा। अच्छा सुन, देख मैं पहले हॉस्पिटल जाता हूं, नूपुर को देखूंगा और उसे अपने साथ लाने की कोशिश करूंगा। ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं आलोक, यहां बहुत काम है और वैसे भी मैं हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट बनाए हुए हूं। तू जा, फ्रेश होकर आ जा। ओके, रिलैक्स। अब कैसा लग रहा है? पता नहीं मानी, लेकिन मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। एक छोटा सा गांव, मेरे भैया, शादी, ट्रेन एक्सीडेंट, छोटी सी लड़की, वो मैं तो नहीं। अंजलि, मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है, मगर तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ, लेकिन सब लोग परेशान हो गए होंगे ना मेरी वजह से। तुम चली जाओ, वहां बहुत सारा काम होगा ना। मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ। बड़ी दीदी ने मुझे यहाँ से हिलने तक के लिए मना किया है, अब अगर मैं जाऊंगी तो तुझे लेकर ही जाऊंगी। लेकिन हम जाएंगे कब? जब यहाँ से छुट्टी मिलेगी तब। तुम थोड़ा आराम कर लो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें?
मानी, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सब कुछ साफ साफ देखना चाहती हूँ। नहीं अंजलि, देखने की कोशिश मत करो। हाँ मगर एक काम करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिसने तुमसे तुम्हारी यादें छीनी है वही तुम्हें उन्हें लौटाएगा। वही तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईश्वर पर से ही भरोसा उठ जाए। पागल कहेंगी, ऐसा नहीं कहते अंजलि। अंजलि, भगवान के घर पर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। अभी आ। हाँ डॉक्टर पांडे बोलिए, नूपुर की तबीयत कैसी है अब? सर नूपुर को होश आ गया है। That's a very good news. कैसी है वो अब? पहले से बेटर है। घर आ सकती है? हाँ, आप जैसा कहें। कल शादी है और सब चाहते हैं कि वो घर पर ही रहे। मैं इंतजाम की देता हूँ। मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर दीजिए। ओके सर। नीलू एक मिनट, माँ से जाकर कहो कि नूपुर को होश आ गया है, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, जल्दी घर आ जाए। ठीक है। जानती हो उसे? हाँ। कौन था वो? संजय। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। फिर तो जान पहचान काफी पुरानी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे। संजय कॉलेज के दिनों बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इसीलिए तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हुई थी। मगर उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा। वो मेरे पैसों पर ऐश करने लगा, गलत रास्ते से पैसे कमाने लगा और एक दिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने की सजा हुई उसे। इसी दौरान मुझे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी थी और मैं सरोगेट मदर के लिए राजी हो गई। तुम अभी उसे प्यार करती हो? शायद। देखो तब तो इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें उसे पूछ लेना चाहिए था। मुझे मैटरनिटी होम में देखकर संजय बहुत परेशान हुआ था और अब वो मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करेगा। जरूर करेगा? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे भी छुपा कर रखी? एनीवे, जो हो गया सो हो गया, अब उसे तो डाला नहीं जा सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रकाश, वो जरूर आएगा, मुझसे मिलने जरूर आएगा, मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा।
भैया आप अपना ख्याल रखिए। चिंता मत करो, मेरा जब भी चाहेगा मैं आ जाऊंगा। आप अकेले कैसे? बहन को विदा करना भी तो भाई का फर्ज है, तो चिंता मत कर। नुपुर बेटा कैसी है? हम सब एकदम डर गए थे बेटा। मानी नुपुर को अंदर रूम में ले जाए और उसका ध्यान रखना, और नुपुर जाके आराम करना, बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे के समय मैं तुम्हें बुला लूँगी, ठीक है? जी जाओ बेटा। चलिए मैडम आराम कीजिए। कैसी हो नूपुर? आप? नहीं नहीं लेटी रहो, बड़ी मुश्किल से तुम ठीक हुई हो। तुमने तो हमें डरा दिया था। मालूम है नूपुर, अगर तुम होश में नहीं आती तो ये शादी नहीं होती। थैंक गॉड ठीक वक्त पर तुम होश में आ गई। आप सबको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हम सब डर जरूर गए थे। और नुपुर हमने आकाश को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर हो नहीं पाया, शायद वो शहर में नहीं है। होना भी नहीं चाहिए नुपुर, हर इंसान की जिंदगी में एक अतीत होता है, आकाश का भी एक अतीत था, लेकिन अब वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा है। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, स्पेशली इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। खैर कोई बात नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त के इंतजार में जो मजा है वो मिलने में नहीं। आप तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। आपको पता है मैंने आपको देखा भी नहीं, अरे सिर्फ तस्वीर देखी है, लेकिन आपने तो मेरी तस्वीर भी नहीं देखी। पहले आप बताइए कि अब कब आ रहे हैं? आता हर चीज का एक वक्त होता है, और सुनो जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं, जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। सारा शहर आस्था की शादी में उमड़ पड़ा था। आस्था थी कि रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था, खुद भी रोती थी और मुझे भी रुलाती थी। आपके पास आस्था की कोई दूसरी तस्वीर नहीं है? एक्चुअली उसे देखने की बड़ी इच्छा थी। ढेरों तस्वीरें हैं उसकी, बचपन से लेकर उसकी विदाई तक की, पूरा घर उसकी तस्वीरों से भरा हुआ है।
ये तस्वीर मेरी किताब में रह गई थी। फिलहाल तो उसकी यादें ही मेरे साथ हैं। आप आस्था को कभी भूल नहीं पाएंगे ना? शायद नहीं। तो इसका यही मतलब है कि संकल्प की शादी को अब तक आप स्वीकार ही नहीं कर पाए होंगे? नहीं मानी, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं कि आस्था के नसीब में नहीं था संकल्प का साथ, इसीलिए वो उसके रास्ते से हट गई। मगर मैंने तो ये सुन रखा है कि आपका अब भी ये मानना है कि आस्था आज भी जिंदा है। तुमने ठीक सुना है मानी, और जिसने तुम्हें ये बताया होगा उसने मुझे पागल भी कहा होगा, और तुम भी उसके साथ हंसी होगी। सबने मुझे पागल ही समझा, जिसके पास भी मैं अर्जी लेकर गया सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने मेरी खिल्ली उड़ाई, किसी ने मेरे जज्बात की कदर नहीं की, किसी ने मेरी भावनाओं को महसूस नहीं किया। हाँ मैं पागल हूं, पागल हूं। मुझे लगता है कि मेरी बहन जिंदा है, मेरा दिल नहीं मानता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या करूं? ठीक है, मैं किसी से आस्था का जिक्र नहीं करूंगा। आस्था अब इस दुनिया में नहीं है, चली गई है वो यहां से। आलोक, I'm sorry आलोक। आलोक मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। प्लीज मानी, प्लीज लीव मी अलोन। जितना भी चाहूं फिर भी न पाऊं अपनों से दर किनारा, सांसों की धड़कन चुभती है हरदम, डराती है खुद अपना ही साया। भीड़ इतनी हो गई अचानक अपने को